थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूं आधार कार्ड से लोन कैसे लें इसके बारे में। नमस्कार, मैं सरोज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरोज का फैक्ट ज्ञान में। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर कोई अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करता ही है, परंतु जब कभी कुछ ज्यादा पैसे की जरूरत आ जाती है या अनावश्यक रूप से कुछ ऐसा खर्च आ जाता है जिसके लिए हमें लोन लेना पड़ता है, और इसी बात का फायदा उठाती हैं ये लोन वाली कंपनियां। इतने सारे लोन एप्लीकेशन, इतने सारे वेबसाइट सभी भरे पड़े हैं गूगल में, यूट्यूब में। अगर आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, हजारों एप्लीकेशन खुल जाएंगे, हजारों वेबसाइट खुल जाएंगी। और बहुत से ऐसे लोन वाले भी हैं जो बोलते हैं कि सिर्फ आधार कार्ड से लोन ले लीजिए, पैन कार्ड से लोन ले लीजिए। मतलब कि लोन लेना वहां देखने से लगेगा कि कितना आसान है, परंतु जब आप उसे क्लिक करेंगे और जब आप उसके अंदर जाएंगे तो एक बेसिक सा फील करवाते हैं वो फॉर्म। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर। जैसे ही आप ये सब डाल के सबमिट करेंगे, वहां पे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस लोन। इस तरह से वो हमारा डाटा चोरी नहीं कर रहे, बल्कि हम उनको अपना डाटा खुद ही दे रहे हैं कि मेरा डाटा ले लीजिए। और फ्री में, मुफ्त में हम अपना डाटा दे के, मतलब इतना बड़ा हम गलती करते हैं जिसका आप ना आपको अंदाजा है ना मुझे। सोचिए, हमने उसे अपना डाटा दे दिया और डाटा लेने के बाद में वो कहाँ यूज होगा, क्या करेंगे, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि आजकल सभी जगह डिजिटलाइज हो चुका है, सभी जगह डिजिटल फॉर्म में ही चल रहा है। बैंक से लोन लेना या कोई भी काम के लिए, सिम लेना किसी और के नाम पे, ये सब कुछ के लिए आधार कार्ड का जरूरत पड़ता है। और आधार कार्ड हमारा बैंक अकाउंट से लिंक होता है, गैस वाले से लिंक होता है, सभी जगह से हमारा आधार कार्ड लिंक किया हुआ है। और वहां से फ्रॉड करना इतना आसान है। आजकल हम हमेशा ही आए दिन पेपर में ये पढ़ते हैं कि किसी के खाते से 2 लाख उड़ा लिया गया, किसी के खाते से 1 लाख उड़ा लिया गया। और अभी तो ये ऐसा भी होने लगा है कि बिना कोई मैसेज आए, मतलब कि ऐसा है कि अगर मेरे अकाउंट से कोई पैसा निकालेगा तो मुझे मैसेज आएगा, परंतु वो मैसेज को भी वो लोग गायब कर दे रहे हैं। और बिना मैसेज आए ही आपके अकाउंट से आपका सारा पैसा गायब हो जा रहा है। तो सोचिए ये कैसे हो रहा है। दरअसल हम उनको अपना डाटा खुद ही दे रहे हैं, या कोई ना कोई ऐसी कंपनी है जहां पे हमने अपना डाटा दिया था, वहां से वो सर्वर को हैक करके और डाटा को चुरा ले रहे हैं और वो जहां तहां यूज करते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसा आप कभी भी ना करें, हमेशा ऑथेंटिक लोन का ही यूज करें। आधार कार्ड से लोन कोई नहीं देता है, सिर्फ आधार कार्ड से लोन कोई नहीं देता है। जो भी ऐसा वेबसाइट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा कलेक्ट करने के लिए ही है। कोई कोई वेबसाइट तो ऐसा भी है कि आपसे आपका जो हमारा नेट बैंकिंग है, वो नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड भी मांग लेते हैं कि वन टाइम यूज के लिए। अरे वन टाइम यूज के लिए हम उसे दे रहे हैं, परंतु क्या पता कि कल को हमारा अकाउंट ही खाली हो जाए। तो इन सब मामले में एकदम सतर्क रहे, और किसी भी तरह से आप अपना डाटा उन तक ना पहुंचाए, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड का खेल चल रहा है। इस पे बहुत सारी मूवी भी बन चुकी है। साउथ की एक बहुत ही अच्छी मूवी है, द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। ये मूवी इतनी जबरदस्त है, इसे देखने के बाद में मुझे लगता है कि काफी हद तक आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक बार ये मूवी आप जरूर देखिए। ये बहुत ही अच्छी मूवी है ऑनलाइन फ्रॉड पे। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, इससे हमें एकदम सतर्क रहना है और बचना है। अपना डाटा हमें कहीं भी नहीं देना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और कोरोना से सुरक्षित रहिए।